आप लोग दोस्तों एक गरीब किसान का लड़का होंगे तो ये वीडियो का शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक गरीब किसान का इस वीडियो में कहानी है दोस्तों। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज आप लोगों को मैं अपने खेत के सिंचाई फसल दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये किसान हम लोग कैसे जी रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बारिश नहीं हो रही है, इसीलिए हम लोगों का धान बहुत सूख रहा है, क्योंकि पानी के बहुत कमी है दोस्तों, क्योंकि बोरिंग से भी अच्छे से नहीं हो पा रही है धान की पटवन। तो देखिए दोस्तों हमारे खेत में बहुत ऊपर ऐसी दरार फट चुकी है, क्योंकि पानी भी नहीं है खेत में, क्योंकि धान ऐसे ही अच्छे से हो नहीं पा रहा है, किसान लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है दोस्तों। जितने गांव से देहात से बिलोंग करते हैं टोटल किसान का यही हाल है दोस्तों। बहुत दूर में देखिए पानी की इतनी सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। बारिश होने की वजह है क्योंकि खेतों में दरार फट चुकी है, और पेपर में भी दे रहा है सरकार ने निर्णय कर लिया है कि कुछ दिन में बोरिंग भी बंद होने वाला है, क्योंकि दोस्तों घर पर कल अच्छे से नल पानी नहीं दे रहा है, बोरिंग कैसे चलेगी और किसान लोगों का धान कैसे हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि सुखाड़ पड़ चुका है, पानी की इतनी प्रॉब्लम है कि कोई भी किसान को बहुत नुकसान है, क्योंकि फसल हम लोगों का रोपने का बहुत नुकसान हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हम लोग फसल तो रोपे हुए हैं जी जान लगाकर। देखिए फसल की अच्छे से हरियाली भी नहीं है, क्योंकि अभी सुबह को दोस्तों ये तो सुबह को 8 बज रहा है, इसलिए इस टाइम ब्लॉग ये शूट कर रहा हूँ, क्योंकि दोपहर में दोस्तों बहुत धूप हो जा रही है, इसलिए घर से कहीं पर वीडियो नहीं बनाने जाता हूँ, घर ही पर रहता हूँ दोस्तों। तो आज अपने खेत में आया हूँ, तो आप लोगों का अपने बधार का सीन दिखाऊँगा देहात का दोस्तों, कि हम लोग किसान कैसे जी रहे हैं, और बहुत लोगों की खेतों में दोस्तों पानी भी नहीं है। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, बिना वीडियो के स्किप किए मत जाइएगा। तो चलिए आप लोगों को मैं पीछे के कैमरा से दिखाऊंगा कि हमारे खेत में पानी है कि नहीं दोस्तों। आप लोगों को तो अभी ये लौक रहा होगा कि खेत में देखिए कहीं भी पानी नहीं है, क्योंकि पूरा खेत में ऐसे ही सूखा हुआ है। तो चलिए हम लोग बैक कैमरा से दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए दोस्तों हमारे खेतों में पानी कहीं भी नहीं है, क्योंकि पूरा खेत सूख चुका है और दरार भी फट चुका है, इसीलिए फसल होने में बहुत नुकसान लग रहा है दोस्तों। देखिए थोड़ा तो हरियाली हरियाली दिखा रहा है, क्योंकि अभी दोस्तों मॉर्निंग का समय है, इसीलिए खूबसूरत थोड़ा लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि पानी को इतनी कमी हो रही है। इधर का व्यू देखिए हरियाली है, हरियाली भरी हुई है हमारे खेतों में। देखिए हवा भी बहुत सुनहरी, मौसम ठंडी हुई है दोस्तों, बाकी पानी का बहुत कमी है दोस्तों, क्योंकि आप लोग तो शहर से बिलोंग करते हैं, हम लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं। तो आप मेरे हम लोगों का रहन सहन आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो को बिना शुरू से अंत तक देखे बिना मत जाइएगा दोस्तों। तो चलिए अभी तो मैं अपने खेत में हूँ दोस्तों, क्योंकि हम लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत लोग बहुत किसान भगवान को भी पूजा कर रहे हैं, हर कीर्तन भी गा रहे हैं, क्योंकि देहात में ये सब होता रहता है दोस्तों, तब पर भी बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि दम बुझा रहा है कि आसमान में पानी नहीं है दोस्तों, दम सुखाड़ पड़ चुका है। कुछ दिन में दोस्तों
बारिश नहीं होगा तो दम फसल नहीं होगा तो खाने को भी हजम नहीं होगा, क्योंकि खाना भी बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि जब हम लोगों का धान ये फसल अच्छे से हो ही नहीं पाएगा दोस्तों, तो हम लोग जी कर क्या करेंगे, क्योंकि एक किसान का हम लोगों का यही तो जीना है, क्योंकि हम लोग अच्छे से अपने लड़के की तरह इस खेत को फसल को देखभाल अच्छे से करते हैं, और पानी भी बारिश नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा दोस्तों बारिश ऐसे ही होती रहती है, और बहुत किसान लोग थोड़ा बोरिंग के भी सहारे पटाते रहते हैं तब अच्छे से ये फसल होती, पर भी बारिशें नहीं हो रही है दोस्तों, तो ये फसल क्यों होगा, क्योंकि हमारे पीछे देखिए गए आप लोग, हमारे पीछे बहुत हरियाली ही हरियाली भरी हुई है, क्योंकि थोड़ा सूरज का प्रकाश पड़ रहा है आँख पर दोस्तों, तो इसीलिए वीडियो में थोड़ा ब्राइटनेस कम बेसी होता रहता है दोस्तों। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही अपने चैनल पर न्यू वीडियो लाता रहूँगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और आप लोग मुझको सपोर्ट करिए, क्योंकि कोई भी ऑडियंस सपोर्ट नहीं करती है, ये आप लोग जरूर वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग की ओर, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।